वही कह रहा था, सीटें फाड़ दी आपने, सीटों में आप क्या लेते हो? देखो अब इस सब का ना मतलब समझो, सबका मतलब ये है, कोई नहीं कह, दूसरे वाले लोगों को अपने यहाँ कोई बर्दाश्त नहीं करता, आप लोगों को यहाँ कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा, ये बेशर्मी है। हम लोग बेशर्मी से ही हैं यहाँ पे, अब वो इसलिए हैं क्योंकि हमें अपना काम करना है। यहाँ रख दो इसे माइक, हिम्मत इसलिए उनकी नहीं होगी हटाने की या कुछ और करने की किसी की भी, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है उनके लिए, ऐसा वो नहीं कर सकते, इसलिए अल्लाह लिख के नहीं देते, मुझे लिख के नहीं दे सकते। लेकिन मैं यही कहूँगा कि कम से कम शिकायतों का, देखो शिकायतें ख़त्म तो होंगी नहीं जब तक रहेंगे हम लोग, शिकायतें तो रहेंगी ही। हाँ ये ज़रूर है कि आने वाले समय में शिकायतों की समाधान जरूर हम लोग कर लेंगे, ऐसी व्यवस्था हो रही है, अगले सेशन में कोई शिकायत नहीं रहेगी, जो भी कुछ होगा ऑथराइज लेवल पर होगा। ये पहले हो जानी चाहिए थी लेकिन ये की नहीं गई, क्यों रूम अलॉट नहीं कराया गया? क्या एक लेटर नहीं लिखवाया जा सकता था? जो अब हुआ हो रहा है या अब हुआ, हम लोगों ने रूम अलॉट करा लिया अपने लिए काशीराम में, क्या ये नहीं हो सकता था? हो सकता, लेकिन उसके लिए एफर्ट की जरूरत पड़ती, वो नहीं किए गए, इसलिए हमें कभी भी धमकी दे देते हैं जैसे आज भी मुझे। तो आपको ना बड़े ध्यान से, एक तो यही है कि समय से आ जाइए, ज़्यादा पहले मत आइए, 1:30 बजे तक आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उनका कहना है 10 बजे आ जाते हैं। और यहाँ आके बैठ जाते हैं, अराजकता का माहौल बना देते हैं। एक तो ये है कि समय से आइए, अपना 1:30 बजे आ जाइए, और दूसरा ये है कि जैसे इन्हें खाने पीने का प्रतिबंध है तो मत खाना लेके आइए, खाइए, और कोशिश करिए भाई 1:30 से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ बच्चे क्या करते होंगे, घर से आ जाते होंगे सुबह ही एक्स वाई जेड रीजन की वजह से, वो अपने साथ खाना भी ले आते होंगे, हो सकता है वो सुबह आते होंगे, लाइब्रेरी अपना उन्होंने ज्वाइन कर रखी होगी या कुछ भी वहाँ पढ़ाई की होगी, उसके बाद यहाँ क्लास लेकर और सीधे घर चले जाते हैं, ऐसे में वो खाना खाने के लिए कुछ पहले आ जाते होंगे, यहाँ खाना खा लेते होंगे, ये सिचुएशन होगी, इन्होंने एक आध बार देख लिया होगा खाना खाते हुए। तो एक ये करिए कि खाना वाना अपना घर ही खाया, खा लो अपना, चलो कोई क्वेरी है किसी की तो पूछ लो, इतनी देखो आपका ऑप्शन हट रहा है यूपी में से, आज वो टैबिक कैबिनेट में भी चला गया, कल मैंने ग्रुप पे डाला था, आज कैबिनेट में टैबलेट हो गया है। मेरे पास कल मैसेज आया था आयोग से, एक
उन्होंने सुधीर सर ने 4 में क्यों साइन कर दिए? लेक्चर है ना वो रूम का एनडीए चलो कोई क्वेरी है किसी की तो बताओ। ये बताओ क्या कर रहे थे? मुझे तो अब ये भी नहीं पता हम कर क्या रहे। अच्छा विविधता के टाइप्स देख रहे थे। मैंने कुछ बताया था कि ये करेंगे आगे। चलिए हमारा सेशन सिलेबस कंप्लीट तक रहेगा या फिर इसका कोई टाइम पीरियड? देखो टाइम पीरियड भी है और सेशन में कंप्लीट भी होगा सिलेबस। इवन यहाँ तक होगा। इस बार तो आपका 2 बार हो जाएगा लगभग। अभी आपका मैं समझता हूँ कि किस किस चीज का सिलेबस बचा हुआ है। हिस्ट्री रुको, हिस्ट्री में कहाँ तक हो गया? कौन सी रही है? वर्ल्ड हिस्ट्री। कब आती है वर्ल्ड हिस्ट्री? अरे कम से कम सिलेबस तो देख लो, क्या कर रहे हो तुम? मेडिवल बचा हुआ है ना, उसमें तो चलो फिर मेडिवल में बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा उसका नहीं। अच्छा ये बताओ, हाँ आर्ट एंड कल्चर भी है। आर्ट एंड कल्चर को तो चलो देख लेंगे, उसमें कोई बात नहीं। वो शायद थोड़ा अच्छे लेवल पे करनी पड़ेगी क्योंकि आर्ट एंड कल्चर ऐसी नहीं आती। अच्छा चलो ये बताओ कि ज्योग्राफी में वर्ल्ड खत्म हो गया, इंडियन चल रही है? और मेरे हिसाब से इंडियन में भी थोड़ा ठीक ठाक ही हम लोग आगे चल रहे हैं। ये ज्योग्राफी की क्लासेस समझ में आ रही हैं आपको? हैं? कोई परेशानी हो ज्योग्राफी की क्लासेस में तो मुझे बताओ। ज्योग्राफी के लेक्चर थोड़े ज्यादा होने चाहिए क्योंकि कोर्स एक हफ्ते का टाइम मिलता है, उसमें भी खींचना पड़ता है। सर की क्योंकि एक हफ्ता रहता है तो जल्दी चलता है कोर्स। देखो कोर्स तो मैंने आपको पहले भी समस्या बताई, आपने उस समय कोई ध्यान नहीं दिया। क्या ध्यान दिया आपने? नहीं दिया ना। तो फिर आप उसके लिए उस बनने के लिए एक निश्चित टाइम पीरियड है कि 30 क्लास है उसमें आपको करना है। नहीं सर, कहा था जैसे कि मैं ऑनलाइन ही ले लूंगा। नहीं वो ले लेंगे लेकिन उसके लिए सरकार, आप बताइए कैसे ले लेंगे? कोई सरकार के जियो में पोर्टफोलियो में कहीं कुछ तो होगा या ऐसे ही? समझो बात को। देखो समस्या ज्योग्राफी में शुरुआत से थी, आप उस समय चुप रहे, कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैंने दोबारा भी आपसे कहा, आप तब भी चुप रहे, आपने कुछ नहीं कहा। फीडबैक आप लोगों से लिया गया, आप तब भी शांत थे, कुछ नहीं हुआ। अब मुझे ये बताओ कि जो पुरानी ज्योग्राफी की आपका छूटा हुआ है, जो भी कमियां उसकी रही हो, इसमें कैसे पूरी हो जाएगी? इस ज्योग्राफी की क्लासेस के लिए, जैसे इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी क्लासेस निर्धारित हैं, वो तो चलो मैंने सर को बोल दिया, मैंने कहा आप उन कमियों को भी पूरा करा दीजिए जो रह गई हैं। तो शायद इंडियन ज्योग्राफी के साथ में कुछ ऐसी चीजें पढ़ा रहे होंगे आपको जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित थी, फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित थी। कोशिश करते होंगे वो आपको समझाने की जल्दी जल्दी इस चीज को भी, क्योंकि उनकी भी निश्चित क्लासेस। अब ये जरूर करा है मैंने कि तीन, अब देखो वो लखनऊ से आते हैं, उनकी वाइफ ACS NXE में है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की वो PS है, पर्सनल सेक्रेटरी, उनको छुट्टी नहीं मिलती। उनकी वाइफ, छोटा उनका बच्चा है, उनकी वाइफ छुट्टी लेती है तब वो एक हफ्ते के लिए यहाँ आते हैं। एक हफ्ते इसलिए उनकी लगातार क्लासेस लगती हैं। मैंने उनको ये कहा कि आप 3 बजे से ले लिया, आज उनकी क्लास 3 बजे हो जाएगी। एक वीक में, मतलब एक मंथ में, भाई है कि
सात क्लासेस से ज्यादा उनके लिए पॉसिबल नहीं होगी। हाँ ये जरूर है कि इतने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा जगह जो बचा हुआ है आगे समय, इसमें समस्या कुछ नहीं होगी। बस आप ये करिए, आपको करना क्या है उसके लिए कि जो वो करा रहे हैं उसको अपने सेल्फ स्टडी में भी तो रखिए, घर से कुछ पढ़ के आइए। मान लीजिए टॉपिक है उसको पहले घर से पढ़ लो, एनसीईआरटी से पढ़ लो, ये जो भी आपका रिसोर्स है वहां से पढ़ लो, और उसके बाद फिर सर जल्दी जल्दी उसे कराएंगे, आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी, जो घर नहीं आई थी वो यहाँ पूछ लो, आपका कोर्स कवर अप हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही आके बैठ जाओगे तो फिर बिना कुछ पढ़े तो वो समझाएंगे तो फिर आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, आएंगे तो कम आएंगी, क्वेरीज आएंगी, जब वो आगे भागेंगे आपको समझ में आ नहीं रहा होगा, आप कहोगे कि यार ये गड़बड़ हो रही है वहां। इसलिए कोचिंग में आने से पहले टॉपिक अगर आपके सामने पहले से ही है तो एक बार उसे पढ़ लीजिए, तभी वो चल पाएगा केस। तो ज्योग्राफी में आप ये करिए, एक तो मैप, साथ में मैपिंग, एक जो टॉपिक वो करा रहे हैं उसको पहले से ही पढ़ के आइए, अपनी क्वेरीज जो है उनको लिख लीजिए जो समझ में नहीं आई है, सबसे पहले आके सबसे उन्हें पूछ लीजिए, फिर सर जो पढ़ाए उसे पढ़ लीजिए, दैट्स इट, और दोबारा रिवाइज हो जाएगा, चलेगा ऐसे आगे। मुझे लगता है ज्योग्राफी का हमारा समय रहते पूरा हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटी का मुझे लगता है कि 70% सिलेबस कभी कवर हो गया है शायद, कहां तक इतना हो गया पॉलिटी में, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रीएम्बल, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर, इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इलेक्शन कमीशन। तो आपका मेरे हिसाब से 70% पूरा है, तीन चार टॉपिक में जो आपके बचे हुए, जैसे छोटे छोटे ऑफिशियल लैंग्वेज एक होगा, एक इलेक्शन कमीशन होगा जो बचा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में से, गवर्नेंस वाले पोर्शन में से नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इलेक्शन कमीशन, लोक सेवा आयोग भी हो सकता है, ऑफिशियल लैंग्वेज, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं जो बचे हुए हैं, बाकी फिर गवर्नेंस का पोर्शन है आपका जो बचा हुआ है। तो गवर्नेंस में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आ जाएंगी। मैं ही मानता हूँ कि 60% सिलेबस आपका कवर है पॉलिटी का भी, 70% भी हो सकता है, 30% आपका बचा हुआ है। गवर्नेंस वाला पार्ट ज्यादा बचा हुआ है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाला पार्ट है वो लगभग कवर हो गया, अब वो आप जाने बाकी का। लेकिन इस स्थिति में जो आप बता रहे हो, उस स्थिति में ये चीजें पूरी हैं। मैं अगर मान के चलूं ओवरऑल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कंप्लीट है हमारी, एनवायरमेंट में मैं एनवायरमेंट में खींच रहा हूँ, देखो मुझे अगर इसे खत्म कराना होगा तो वन वीक मोर देन सफिशियंट, खत्म हो जाएगा एक वीक। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इसके साथ साथ मेरी क्लासेस के साथ साथ कुछ और भी सीख लो, तो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, देखो मेरी क्लासेस तो रहेंगी, तो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी विषय में कोई भी समस्या है तो आप मुझे उससे मेरे विषय से हटके भी पूछ सकते हो। जो कमियां दूसरे एक फैकल्टीज की अगर कहीं पर भी रह गई है और आपको नहीं आया उसमें समझ में, तो वो बेहतर होगा कि, और वो छूट गया, वो आगे निकल गए, बहुत ज्यादा आप नहीं कर पा रहे हो, तो बेहतर होगा शॉर्ट आउट कर लो उसे कि ये चीजें, एक कंसेंसस बना लो, और कंसेंसस बना के उसे मुझे दे दो, मैं किसी दिन स्पेशल क्लास रख के उसे सुना दूंगा आपको, उसमें जो भी चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगे। घटना चक्र का पूर्वावलोकन लेके उन्हें लगा दो उस टॉपिक से रिलेटेड, हो जाएगा, क्या है इसमें। हेलो, हाँ सर, तो आप सीसीएस यूनिवर्सिटी आ जाइए सर, सीसीएस यूनिवर्सिटी आके मुझे कॉल करना। हाँ, जो सबसे
सबसे बड़ी परेशानी देखने को इस समय मिल रही है वो सी सेट की मिल रही है। सी सेट में ये बताओ सर, रीजनिंग आपको ठीक करें, रीजनिंग आपको समझ में आई? कितने लोग थे जो रीजनिंग को जिनको समझ, फीडबैक दिया आप लोगों ने? अभी लिया नहीं। अच्छा ये बताओ कितने लोगों को ठीक लग रहा है रीजनिंग? देखो अभी मैंने टाइम के बारे में तो पूछा ही नहीं, बताया ही नहीं, मैंने केवल आपसे ये पूछा कि रीजनिंग वाले फैकल्टी का पढ़ाया हुआ समझ में आया, केवल ये बताओ मुझे कितने लोगों को नहीं आया? नहीं आया। पढ़ी है कभी रीजनिंग? कहाँ पढ़ी थी? क्या समझ में नहीं आया? सर थोड़ा सा पढ़ाने का जो तरीका है ना, और कोई कैसे टाइप का है? देखो अभी इसको छोड़ो, इस बात को चर्चा मत करो, मुझे ये बताओ किसी टीचर को कैसे जज करते हैं, किसी टीचर के पढ़ाने को कैसे जज करते हैं? अरे यार आप बहुत मैं कोई बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और अगर आप में से मैं 60% लोगों को समझा पाया अपनी बात तो मैं फेल हूं या पास हूं? और अगर केवल एक या दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मैं अपनी बात नहीं समझा पाया तो ये कमी एक या दो व्यक्तियों में है या मेरे में है? फिर कहां प्रयास किए जाने की जरूरत है? कोप अप करने की जरूरत पड़ती है। आपने नहीं पढ़ी, आपको मैथ्स भी नहीं आता, जब मैथ्स नहीं आता तो रीजनिंग कैसे आएगी? आपने कभी ये जानने की नहीं कोशिश की कि रीजनिंग क्या है, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो देखने लगे। पहले जानो तो सही वो है क्या, उसके लिए किस एप्टीट्यूड की जरूरत पड़ती है? रीजनिंग का माने तर्क शक्ति, आपको तर्क को मजबूत करना है, अपने लॉजिक को मजबूत करना है। लॉजिक कब मजबूत होगा? जब आप कई सारी गणनाओं को एक साथ फैक्ट को ध्यान में रखते हुए करेंगे तब लॉजिक मजबूत होगा। उसके चाचा के भाई के मामा के ताऊ का पोता है, बताओ कौन है? इसमें इस पूरी कहानी को आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा और कई सारे लेवल पर उसे एनालिसिस करते रहना पड़ेगा, तब आप उनके बीच में संबंध बता पाओगे। देखो रीजनिंग को केवल इतना समझिए कि अगर वो आपको पढ़ाने में मेहनत कर रहे हैं, किसी भी फैकल्टी को जज करते समय, किसी भी व्यक्ति को जज करते समय दो तीन पैरामीटर्स बड़े ध्यान में रखने चाहिए। नॉलेज कभी ध्यान में नहीं रखनी चाहिए कि उसको कितना ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान इंपॉर्टेंट बात नहीं, इंपॉर्टेंट बात है जो उसके पास है वो आपको कैसे कन्वे कर पा रहा है, वो आपको दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा, उसका मन है आपको उस चीज को देने का या नहीं देने का, जो उसके पास है जो बात वो कहना चाह रहा है वो आप तक समझा पा रहा है या नहीं, आपको आ रही है नहीं आ रही। अच्छा रही बात समय की, अगर फैकल्टी परमानेंट होगी तो समय तो उसके पास हो ही जाएगा। अभी उसको चार क्लासेस थी क्योंकि फीडबैक चार क्लासेस के आधार पर लेके बाद में हम पहले लिखूंगी, उनको कम से कम कुछ बातें आपको कम से कम समय में समझानी थी, ये देखी गई। अब उन्होंने मेहनत की आपके साथ में, और अगर उसका 60% भी आप ले पाए, 60% मान लो उनकी बात समझ में आ गई तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 60% से कम है तब फिर समस्या है। ये होती है किसी फैकल्टी का फीडबैक देने का आधार। ज्ञान तो बाद में भी देखा जा सकता है, आ जाएगा, लोग पढ़ भी लेते हैं, पढ़ के भी पढ़ा देते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं। सर आप अगले दो लेक्चर्स में इसको सीटिंग अरेंजमेंट रखिएगा और नंबर सीरीज। देखो वो तो मैं अभी अब सुन सुन जो आसान टॉपिक है वो तो जनता समझ ही नहीं, सुन तो लो पहले, अभी वो एम्पैनलिंग होगी उनकी,
जब एम्पैनलिंग होगी और अब आपका एक तो फीडबैक पॉजिटिव जाए, दूसरा उनके एम्पैनलिंग में आंसर कर पाए तब उनको पढ़ाने के लिए कहा जाएगा यहाँ, अदरवाइज तो क्यों पढ़ाने के, किसी और को देखना पड़ेगा। एक तो ये आप अपना फीडबैक दीजिए और बड़े हिसाब से फीडबैक देना। मेरा पर्सनल मानना ये है कि ही इज अ गुड फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। रीजन उसका क्या है, 2021 से उन्होंने अभ्युदय में पढ़ाया है पहले और अच्छे लेवल पर उन्होंने पढ़ाया, कोई ऐसा भी नहीं था, बच्चों ने ठीक रिस्पॉन्स था बच्चों का, क्योंकि पहले भी वो पढ़ा चुके हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि खराब रहा होगा, हमने उन्हें कंटिन्यू मेघरा सर ने उन्हें कंटिन्यू ऐसे ही करा दिया होगा, मेघरा सर इस बात में बहुत ध्यान रखते थे, ऐसा तो नहीं, शुरुआत से वो योजना से थे जुड़े हुए हैं 2021 से मेरठ कॉलेज से ही, और मैं उनको उससे पहले से भी जानता हूं। दिल्ली में उन्होंने प्रोमिनेंट कोचिंग्स में पढ़ाया भी है और अभी भी पढ़ा रहे हैं, जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि वो कैपेबल नहीं है। कैरियर लॉन्चर या एक और भी है कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसमें शायद वो कैरियर पावर या कुछ ऐसे करके था जिसमें वो जनरली पढ़ाते थे। अब एक जो इसमें ये परेशानी, तो इसकी परेशानी तो तब दूर होगी एप्टीट्यूड वाले सी सेट वाले पोर्शन की जब फैकल्टी ये कम से कम एम्पैनल हो जाए, फिर इनकी क्लास लगेगी, जीएस की क्लासेस कम कर देंगे, 3-3 क्लासेस 3 डेज इनकी लगा दी जाएंगी, मैथ्स की 2 दिन और 2 दिन रीजनिंग की, 4 क्लास हो गई 4 दिन। लेकिन इसके लिए पहले ये है कि एम्पैनलिंग हो, चलो इसकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा, वो कोई परेशानी वाली बात है नहीं। और सब्जेक्ट आपका ऐसा क्या बचा जो बहुत पिछड़ा हुआ है, पिछड़ रहा है, जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन वो नहीं हुआ है, उसके लिए फैकल्टी मिली है, आप उनको एक बार जज करना, उनकी क्लास लगाई जाएंगी ऐसे ही, क्योंकि हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोई फैकल्टी है नहीं, या तो फिर मैं ही पढ़ाऊंगा आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर अगर वो फैकल्टी आएंगी उन फैकल्टी को आपको ठीक लगेगा तो फिर वो पढ़ा देंगे आपको, है ना। तो आप एक बार मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक, क्योंकि अब इस वीक में तो छुट्टियां के बाद खुला था तो उनकी क्लास नहीं लगी है, सर की क्लास चूंकि साथ है तो ज्योग्राफी की, तो नेक्स्ट वीक में उनकी क्लासेस होंगी, 2 ही होंगी फिलहाल, 2 ही नेक्स्ट वीक, तो आप एक बार देख लेना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है जो पीछे है, लेकिन घबराना इससे भी बिल्कुल नहीं है, होगा ये पूरा। अब आप करें क्या, जितना हो गया है मैं ये मानता हूं आपका सिलेबस अराउंड 60% कंप्लीट है ओवरऑल को अगर हम लोग देख लें, तो 40% बचा हुआ है हमारे पास। अभी जो समय है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने हैं, इवन 15 मई में एग्जाम है 14 मई का, तो हैं जी 14 मई से एग्जाम शुरू हो जाएंगे, 14 मई का यूपीपीसीएस का एग्जाम है, तो मई तक हम लोगों को, मतलब अप्रैल कंप्लीट हम लोगों को कवर करना है, सारा खत्म करना है, हमारे पास 4 महीने हैं। तो अगर पिछले 4 महीनों में हमने 60% कंप्लीट कर लिया तो अगले 4 महीने में 40% हो जाएगा, कोई परेशानी है नहीं। आप करो क्या कि जो 60% हो गया इसको अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि मैं इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि आपका वो 60% तैयार नहीं है। यहां तक भी स्थिति होगी कि आप में से कई लोगों ने तो खोल के भी नहीं देखा होगा क्या था पीछे, इकोनॉमी का रजिस्टर वापस देखा किसी ने रिवाइज करके, देखा था, पूछ लो, अब नहीं दिखाई ना कोई, चलो मैंने मान लिया देखा होगा, लेकिन मेरा देखने से मतलब यहां से ये था, देखो मैं क्यों मानता हूं कि नहीं देखा होगा, क्योंकि किसी ने मेरे से इकोनॉमी के ऊपर कुछ पूछा ही नहीं आज तक, खत्म होने के बाद में कोई क्वेरी नहीं आती आपकी। अब मुझे ये बताओ, भगवान बुद्ध तो आप हो नहीं,
वरना रावण, जो आपकी कोई क्वेरी ना हो सब बातें समझ में आ जाती है। तो दो बातें, या तो आप ढंग से पढ़ नहीं रहे, या फिर पढ़ रहे हो तो काम चला रहे हो अपना। काम चलाने वालों का काम चलता ही नहीं है फिर, जो काम चलाने वाली सोच से पढ़ते हैं उनका नहीं। तो सब एक इस बात पे ध्यान ज्यादा ना देके, क्योंकि ये वाला पोर्शन हम लोगों का है, हम लोग अरेंज करेंगे ये सब, कैसे क्या कराना है, कैसे हम लोगों को है वो सब, एक पूरी उसकी प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है, उसके हिसाब से हम लोग समय रहते कवर कराएंगे। लेकिन आप लोग जो हम लोगों से मिल गया उसे तो पूरा कर लो। देखो एक और मैं बात आपको कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। जो लोग सामने वाले को ब्लेम करके चलते हैं ना लाइफ में, वो बड़े कमजोर टाइप के होते हैं। ऐसे लोगों का जो चरित्र होता है ना, वो बड़ा ही विश्रंखल टाइप का चरित्र होता है। उनके साथ चीजें अच्छी नहीं होती लाइफ में। हमेशा अपने में मजबूत रहो। अपने में मजबूत रहने वाले जो लोग हैं, वो कभी सामने वाले को नहीं देखते, वो खुद को देखते हैं। क्योंकि वो खुद को देखते तो इसीलिए मजबूत होते चले जाते हैं। मान लो मैं आपको कुछ दे पा रहा हूं या नहीं दे पा रहा, मैं अगर इस बात के ऊपर, मान लो मैं एक एस्पिरेंट हूं और मैं केवल इस बात के ऊपर निर्भर रहूं कि कोचिंग या कोई टीचर मुझे पढ़ाएगा, मैं तभी पढ़ूंगा, तो क्या ये मेरी एक सकारात्मक सोच है या नकारात्मक है? मैं निर्भर हो गया उस आदमी के ऊपर। और किसी के ऊपर निर्भर रहने वाला व्यक्ति कमजोर होता है या ताकतवर? इसीलिए मैंने ये बात कही, जो लोग दूसरों के को देख के चलते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर होने की कोशिश करते हैं या रहते हैं, कमजोर होते हैं। और कमजोर लोग कभी किसी का साथ नहीं देते, इसीलिए विश्रंखल चरित्र के होते हैं। ये गहरी कमी होती है साइकोलॉजिकल। इसलिए जो मिले उसे ले लो, और जो कमी रह जाए उसे खुद से पूरी कर लो, बनिस्पत इस बात के शिकायत करने की जी कमी रह गई। क्योंकि अगर कोई कमी रह गई भी गई तो वो कमी आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। कोई दुनिया का ऐसा इंसान है ही नहीं जो आपकी सारी कमियों को या आपको सब कुछ दे देगा। क्या कोई आपको आईएएस अधिकारी बना देगा? अगर सारी क्लासेस जागृति अवस्थी में भी लेना, वो भी नहीं बना पाएंगे। उन्होंने कोचिंग का जिक्र किया अपनी, जब उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बताई, नहीं किया उन्होंने। और उन्होंने क्या किया, का क्या कहा था आपसे, कि भले ही एक महीना लगे लेकिन सबसे पहले अपनी एनालिसिस कर लेना पूरे सिलेबस की, पूरे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, समय लगा के एनालिसिस कर लो, स्ट्रैटेजी बना लो, ये सब कर लो। इस सब के ऊपर कहा, अगर कोचिंग या कोई पढ़ाने वाला इतना इंपॉर्टेंट होता तो वो सबसे पहले ये कहते, अरे कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद चले जाओ बना देगा। सर कहीं जिक्र नहीं आया उनकी बात में, क्योंकि यही रियलिटी। जब हम दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं तब हमारी उम्मीदें दूसरे से बहुत ज्यादा हो जाती हैं, और जब उम्मीद कहीं पर भी टूटती है तब फिर हमें वो आदमी गलत लगने लगता है। हम ये नहीं सोचते कि हम बहुत ज्यादा निर्भर हो गए उसके ऊपर, ये सोचते हैं कि इसने हमें वो दिया नहीं जो ये दे सकता था। इसलिए ना इस सब बातों को बड़ी गहनता से लेने की जरूरत है, बड़ी गहराई से, तभी सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। नहीं तो जनता है, यूनिवर्सिटी में देखो कितनी जनता फिर रही है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो मैं ये कहूंगा कि जो हो गया उसके ऊपर फोकस करो, कहीं कमी रह गई उसे खुद पूरा करने का प्रयास करो। खुद नहीं कर पा रहे हो, टीचर की मदद लो, कोचिंग की मदद लो, हम सब लोग तैयार हैं। लेकिन अगर आप खुद करने का प्रयास नहीं करेंगे तो ये बताओ कि क्या हम करा सकते हैं? ना, कोई नहीं करा सकता। प्रयास आप ही को करने पड़ेंगे।
आप ही को अपने लेवल पे एफर्ट्स देके 100% करना पड़ेगा, चीजें तभी आगे बढ़ेंगी। स्वर्ग बिना खुद मरे नहीं मिलता किसी को, मिलती जन्नत बिना मरे। जन्नत के लिए मरना पड़ेगा ही और खुद को ही मरना पड़ेगा अगर खुद को जाना है तो। हाँ हाँ ना कैसे जिंदा रहते मिल जाएगी कहाँ पे मिलेगी मुझे बताओ, मैं जाता हूँ वहाँ बताओ कहाँ पे है ये सीट फाड़ के बताओ तुम ये जन्नत है। उसको न जाने क्या क्या लिखा होगा सीट पे, मैं बता नहीं सकता क्या लिखा हुआ था। तो ये जन्नत कैसे है फिर ये देखो ये एक उक्ति है जिसका ये अर्थ यही है कि बिना आपको कर्म करे कोई अच्छा फल नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये है। तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा, दर्द के रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा, पेन लेना ही पड़ेगा, तभी आपको कुछ मिलेगा। तो एक ये सामान्य उक्ति है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप करिए उसको, जो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया उसे अच्छे से बार बार करिए, जो बच गया है उसे हमें एक बार इंडिकेट करते रहिए कि सर ये छूट गया है या ये बचा हुआ है अभी इसे करा दीजिए, फिर उसी हिसाब से जो क्लासेस हैं वो अरेंज करके वो लगा दी जाएंगी, समय रहते पूरा कर लेंगे ये भी पक्का है। अगर ऐसा भी हुआ कि रिवीजन का टर्म समय ना मिला, वैसे तो मिलेगा, लेकिन अगर किसी वजह से रिवीजन का समय भी नहीं मिला तब भी हम लोग पूरा तो कर ही लेंगे। एक और भी चीज हो सकती है कि अभी कुछ और बच्चे आपके साथ ऐड होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें फिर से हमें करानी पड़े दोबारा, जैसे इकोनॉमी आपके फिर से हो जाए, जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो आपके फिर से हो जाए, ज्योग्राफी फिर से हो जाए, क्योंकि इसी वीक में हमारे पास एक लिस्ट आएगी लखनऊ से जो मेरठ मंडल के बच्चों की होगी। इसमें लगभग 1000 बच्चे हैं मेरठ मंडल में, SC ST OBC, वो बच्चे जो कि जिनको रेजिडेंशियल कोचिंग मिलती है, जैसे हमारे यहाँ हापुड़ में है वो डिप्राइव क्लासेस के लिए UPSC की तैयारी कराते हैं, उसका एग्जाम होता है। तो मेरठ मंडल से लगभग 1100 या 1200 बच्चों ने उसका फॉर्म फिल किया था, हुआ है शायद वहां पर 250 या 300 लोगों का ही, बाकियों का नहीं हुआ। शासन ने हमें वो लिस्ट दे दी है, उसकी लिस्ट हमारे पास आ जाएगी जिनका नहीं हुआ है। जिनका नहीं हुआ है वो हमारे साथ पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि वहां रेजिडेंशियल है तो कम, उतनी सीटें हैं, लिमिटेड हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अयोग्य हैं, तो वो अब आपके साथ आएंगे। अगर वो आपके साथ आएंगे तो फिर दोबारा से उन्हें लिमिटेड समय में वही 4 महीने में फिर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं कैलेंडर आ गया UPSC का, तो सिलेबस फिर से कवर अप कराना पड़ेगा, आप सिलेबस फिर से हो जाएगा आपका। इसलिए सिलेबस की ओर आप बहुत ज्यादा ना ध्यान दें, जो आपका हो गया है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दें रिवाइज करने की तरफ, क्योंकि अगर दोबारा होगा तो और बढ़िया है, और नहीं होगा तो एक बार तो पूरा होगा ही। देखो पहले मैं ये मानता हूं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, कुछ चीजें रह जाती थी और उसके बहुत सारे रीजन थे, XYZ कोई एक ही रीजन उसका नहीं था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा कि आपका सिलेबस रहेगा, इस बार हम लोग पूरा कराएंगे। कमी क्या है, एप्टीट्यूड CSET को लेकर कमी है, और उसकी कमी सबसे बड़ी यही है कि हमारे पास में फैकल्टी नहीं थी एप्टीट्यूड की। फैकल्टी नहीं का मतलब यहाँ से ये है मेरा कि पैनलिंग नहीं हुई थी CSET की फैकल्टीज की, एम पैनलिंग नहीं हुई होगी। अब पैनलिंग हम लोग जल्दी से जल्दी कराएंगे, और एप्टीट्यूड की जो क्लासेज हैं वो ज़्यादा लगेंगी, प्रायोरिटी बेसिस पे लगाएंगे, जिससे आपका मैथ्स रीजनिंग कम्प्लीट हो जाए। कॉम्प्रिहेंशन आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, बड़ी सीधी सी बात है। थक गए
चलो पढ़ लो। चलो ठीक है, हम लोगों ने विविधता देख ली थी, कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि जैव विविधता करती क्या है, ठीक है, बायोडायवर्सिटी करती क्या है। तो बायोडायवर्सिटी कुछ सेवाएं प्रदान करने का काम करती है, कुछ सर्विसेज, इनको हम लोग जैव विविधता से संबंधित सेवाएं कहते हैं। कौन कौन सी सेवाएं बायोडायवर्सिटी हमें देती है बताओ सोच के, जैव विविधता हमारे लिए क्या करती है? इकोलॉजिकल बैलेंस, ये मेरे हिसाब से देखो, अगर इकोलॉजिकल बैलेंस बनाती है बायोडायवर्सिटी तो इसका मतलब ये है कि वो पूरी जो इकोलॉजी है उसे रेगुलेट करने का काम करती है, उसका विनियमन करती है, बैलेंस बनाती है उसको। एक सेवा तो ये हो गई। दूसरी सेवा बताओ, मनोरंजन का काम करती है, पर्यटन वगैरह होता है ना, होता है। और वहां पर कुछ जैसे वन है तो कुछ वनीय जनजातियों को या कुछ मनुष्यों को भी संरक्षण देने का काम करती है, एक इसमें ये भी है। तीसरी सेवा कौन सी हो सकती है? पेड़ पौधे जीव जंतु क्या करते हैं? उत्पादन का काम करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, उत्पादन से संबंधित सेवाएं देते हैं। तो जैव विविधता किसी भी देश में तीन तरीके की सेवाएं देती है, एक उत्पादन से संबंधित सेवाएं, एक पारिस्थितिकी का विनियमन करती है, रेगुलेट करने का काम करती है, और तीसरा जीव जंतुओं जैव विविधता के ऊपर जो निर्भर लोग हैं उनको भी वो संरक्षित करने का काम करती है, जैसे पर्यटन वगैरह भी उससे जुड़ा हुआ है, कुछ जनजातियां वगैरह भी जुड़ी हुई है। तो आप इसमें एक नोट करके लिखिए और नोट में सेवाएं लिख लेंगे। तो इसमें लिखना आप जैव विविधता मनुष्य को निम्न प्रकार से सेवाएं प्रदान करती है। बायोडायवर्सिटी प्रोवाइड द सर्विसेज टू ह्यूमन बीइंग इन सच अ वे। पहला, उत्पादक सेवाएं, ठीक है, प्रोडक्टिव सर्विस, इसके आगे डैश करके लिखना, यह भोजन, चारा, फल, सब्जियां इत्यादि प्रदान करती है, फल सब्जियां इत्यादि प्रदान करती है। इट प्रोवाइड फूड, फॉडर, वेजिटेबल्स एटसेट्रा। ठीक है, दूसरा लिंक, पारिस्थितिकी का नियमन करती है। इट रेगुलेट द इकोलॉजी, इट रेगुलेट द इकोलॉजी, ठीक है, कैसे करती है? तो एक बैलेंस बनाती है, एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने का काम करती है जीव जंतु वनस्पतियों के बीच में। तो लिखिए डैश करके, जैव विविधता
पारिस्थितिकी संतुलन बनाती है। तथा जलवायु को नष्ट होने से बचाती है। तथा जलवायु को नष्ट होने से बचाती है। बायोडायवर्सिटी फॉर्म या क्रिएट लिखिए, बायोडायवर्सिटी क्रिएट एन इकोलॉजिकल बैलेंस, एन इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, रविकांत इनसे बात करो या मेरे पास ले आओ। हेलो, एन इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है, कंटिन्यूएशन में लिखना, यह जलवायु परिवर्तन को संरक्षित करने का काम भी करती है। इट ऑल्सो प्रिजर्व द क्लाइमेट चेंज, इट ऑल्सो प्रिजर्व द क्लाइमेट चेंज। अब एक सेकंड रुक जाइए, ये थोड़ा सा जरूरी काम है। ये इनकी नहीं निकलेगी, ये सर इनकी निकलेगी, मैं साइन कर देता हूँ जो अधिकारी मैं फिर भी तुम्हें बता रहा हूँ ना, उनको बता देना। चलो खैर, वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन फिर भी तुम ध्यान रखो। जैसे ना देखो, इनकी जो क्लासेस नहीं है, बातें मत करो, क्लासेस जो है ये इंट्रोडक्शन क्लासेस हैं, है ना, ये बाकी अच्छा इनकी क्लासेस देख लेना, जिसकी भी ना जो मॉर्निंग पैनल है वो सबकी दे दो, मुझे भी भेजना उसकी एक वीडियो नॉन पैनल की, उसमें ये रखना है कि जिसकी भी चार से कम है, चार या चार से कम है उसकी किसी की नहीं, बाकियों की हो जाएगी। चार से कम वाले को पहले जीरो हो जाएगा। इसमें भी है कोई साइन, इसमें तो सर फीडबैक, हाँ इनका फीडबैक लो, दिसंबर में के नहीं, दिसंबर हाँ, अब तो हो जाएगा पैनल है, अब तो सब फीडबैक की क्या दिक्कत है इसमें, उनका ले लो, लेकिन सी सेट वाली फैकल्टी का, सी सेट वाली फैकल्टी का ले लो। अपना नाम बताओ,
सबका लेना है फीडबैक है। दिसंबर महीने में सारे टीचरों को कहा, किसने कहा? किस आज मौसम में ये फीडबैक है, आप फीडबैक देना। नवंबर तक का तो है हमारे पास में, तो दिसंबर में लॉस हो गया। ऐसे अब जरूरत नहीं है, और फिर भी तो दिसंबर में कोई बिल्कुल आप ईमानदारी से देना फीडबैक आ जाएगा आपके सामने। किस सब्जेक्ट का है? एक सी सेट का है, एक एनवायरमेंट का है। वैसे तो आपने पहले भी दिया है, लेकिन आजकल यही है कि हर मंथ में दिया जाएगा, बस अभी कुछ दिन कुछ के बाद ठीक, क्योंकि पहले समस्याएं हो गई थी ना। तो ये एक भूगोल का है, और किसके देना है? बात कर नहीं अभी तो क्लास तो ले ही रहे हैं कंटिन्यूस।
हाँ अभी लो सुन, रोज रोज का नहीं, अभी ले जाओ। अब किसका है ये और किसका है? हाँ बस इन्हीं का ही है जिसका भूल जाना सर। नहीं नहीं यही है, मैं संदीप सर, रतुंजय सर, अभिषेक सौरभ और एक्टिव क्लासेस यही। ये भी दे दो, ये भी दे दो ना बच्चों। चलो फिर चले पढ़ें, क्या लिखा था बताओ। दोबारा दोबारा पूरा सेंटेंस करने का भी काम करती है। हाँ अंग्रेजी में बोलो। इट ऑल्सो प्रिजर्व, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। प्रिजर्व नहीं, बात मत करिए। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज है ना, जलवायु परिवर्तन को बचाती है उसको होने से। थर्ड लिखिए इसमें है? जलवायु परिवर्तन को संरक्षित वर्ड की बजाय। हाँ सर अजय, अरे ये जलवायु परिवर्तन से बचाने का काम करती है, संरक्षित से की को काट कर बचाने का लिख दी। ठीक है अरे सर बैठो। मैं क्लास ले लूँ फिर सर मैं बात करता हूँ। ठीक है नेक्स्ट लिखिए थर्ड में, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सेवाएं, सोशल एंड कल्चरल सर्विसेज या सोशियो कल्चरल सर्विसेज। तो सोशियो कल्चरल सर्विसेज में क्या आ जाएगा? पर्यटन वगैरह है ना, या जनजातियों का संरक्षण, उनके समाज का संरक्षण, ट्राइबल सोसाइटी का संरक्षण करने का काम करती है। तो लिखिए यह जनजातीय समाजों को, यह जनजातीय समाजों को संरक्षित करने का भी कार्य करती है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द ट्राइबल सोसाइटीज, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द ट्राइबल सोसाइटीज है, यह जनजातीय समाजों को संरक्षित करने का काम भी करती है। और इसी में कंटिन्यूएशन में लिखना पर्यटन, पर्यटन मनोरंजन इत्यादि भी जैव विविधता संरक्षण से जुड़े हैं। जैव विविधता संरक्षण से जुड़े हैं टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट ऑल्सो रिलेटेड टू बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। जैव विविधता संरक्षण से जुड़े हैं ठीक है। और इसी में लिखे आ गया, अच्छा ये बताइए वनों का आध्यात्मिक मूल्य है या नहीं है? हमारा वानप्रस्थ आश्रम है ना सर, सोई सोई के लिए भी होते हैं, पारे रखते हैं। अरे तो ऊपर तो आ तो गया पारिस्थितिकी में, और क्या करवाओगे? लिखो इसमें यह आध्यात्मिक मूल्यों को भी संरक्षित करती है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द मेटाफिजिकल वैल्यूज, द मेटाफिजिकल वैल्यूज टू। ठीक है ये तीन सेवाएं हैं जो जैव विविधता करती है। ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसमें आप अगला हेडिंग लिखिए,
देखो आप ये देखेंगे कि पूरी पृथ्वी पर जैव विविधता कहाँ कहाँ ज्यादा मिलेगी, पूरी पृथ्वी पर, यानी इसमें ओशंस भी देख लेंगे, लैंड भी देख लेंगे, और ओशंस में भी कहाँ मिलेगी ये देख लेंगे। कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आया है ये पूछने के लिए, पूछा गया है कि दे देगा आपको एरियाज और कहेगा इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए जैव विविधता, सबसे ज्यादा से कम की तरफ जाना पड़ेगा आपको। तो आप अगला हेडिंग लिखिए इसमें, भूमंडलीय जैव विविधता, भूमंडलीय जैव विविधता, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी। ठीक है, देखो हम लोगों ने यह देखा कि जैव विविधता पृथ्वी पर वहां ज्यादा होगी जहां वर्षा ज्यादा होगी, क्योंकि पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी। वर्षा उन क्षेत्रों में ज्यादा होती है जहां गर्मी होती, सामान्य तौर पर तापमान वर्ष भर गर्म बना रहे, यानी इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर। इसके बाद जैव विविधता पोल की तरफ जाएंगे तो उसमें कमी आती चली जाएगी। तो ये तो हमारा लैंड का हुआ एरिया, इसमें कुछ एरियाज और हैं जो स्पेसिफिक, जिनको देख लेंगे इस ट्रेंड को जो चेंज करते हैं। अच्छा, ओशंस में हम लोगों ने ये देखा कि सबसे ज्यादा जैव विविधता कोरल रीफ्स में मिलती है, प्रवाल भित्तियों में मिलती है, क्योंकि वहां पर एक जीव जंतुओं के लिए पूरी बस्तियां बन जाती हैं अपने आप, जहां कोरल रीफ्स होते हैं तो जीव जंतु वहां आकर रहते हैं, जैव विविधता ज्यादा मिलती है। अच्छा, लैंड पर जो जैव विविधता थी उसमें भी दो तीन पैटर्न हमें देखने को मिलेंगे, जैसे एक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, उनमें सबसे ज्यादा मिलेगी, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जिन्हें हम लोग कहते हैं, फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आ जाएंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आ जाएंगे, जैसे इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, पश्चिमी घाट में देख सकते हैं और पूर्वी हिमालयस में देख सकते हैं। फिर इसके बाद डेसिडुअस टाइप के फॉरेस्ट आ जाएंगे, पतझड़ वाले वन, तो इनमें सीजनल चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि वर्षा के मौसम में बारिश होती बाकी नहीं होती, तो जंगल मिलेगा तो लेकिन घना नहीं मिलेगा, तो जैव विविधता का लेवल कम हो जाएगा। उसके बाद फिर ऐसी जगहों पर जहां पेड़ पौधे कम मिलेंगे और भी, तो जैसे राजस्थान में या गुजरात के कुछ क्षेत्रों में जहां वन बहुत ज्यादा कम है या वर्षा कम होती है, तो ऐसे क्षेत्र पूरी पृथ्वी पर ही आपको कम कम मिलते चले जाएंगे। तो ये एक सीक्वेंस होगा, इसी सीक्वेंस को हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कि सबसे ज्यादा कहां मिलेगी और क्यों मिलेगी, और सबसे कम कहां मिलेगी और क्यों मिलेगी, लैंड पर कहां, ओशंस में कहां, एयर। अच्छा ये बताओ, पेड़ जी, इस पर पूरी पृथ्वी पर प्राणियों में किसकी संख्या ज्यादा है, पूरी पृथ्वी पर किस स्पेशीज के एनिमल्स की संख्या ज्यादा है, कीड़े मकोड़ों की, इंसेक्ट्स, कीट पतंगे सबसे ज्यादा हैं, उनकी स्पेशीज सबसे ज्यादा मिलती हैं। तो एक सबसे पहले तो ये सीक्वेंस लिख लो आप, ये इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन एग्जाम में एक बार आ गया था तो मैंने नोट किया हुआ है, मैं भी फिर भूल जाऊंगा, एक नोट करके लिख लो इसे। पृथ्वी पर स्पेशीज की संख्या, पृथ्वी पर स्पेशीज की संख्या के आधार पर उतरता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेशीज ऑन अर्थ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेशीज ऑन अर्थ, सबसे ज्यादा कीट पतंगे, इंसेक्ट्स कहते हैं, ठीक है, लगभग इनकी 11 लाख के आसपास स्पेशीज मिली हैं अब तक, सबसे ज्यादा इन्हीं की हैं, सबसे ज्यादा प्रजातियां इन्हीं की हैं। दूसरा लिखिए इसमें, बिना रीढ़ वाले जानवर, एनिमल्स विदाउट स्पाइन, क्या कहते हैं उन्हें, रेप्टाइल्स कहते हैं ना, इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स लिखिए, इनवर्टिब्रेट्स। दूसरा लिखिए प्लांट्स, तीसरा नेक्स्ट प्लांट्स, फिर पादपों का नंबर आता है, ठीक है, हाँ प्लांट्स,
पादप पेड़ पौधे उनका नंबर आता है। ये तीन सबसे स्पेशीज वाले आप केवल तीन याद रख लीजिए। और सबसे कम जो संख्या देखने को मिलती है वो वायरस की देखने को मिलती है, विषाणु की। मतलब इन सारे क्रमों में विषाणुओं की संख्या सबसे कम मिलती है। तो सबसे नीचे लिख लीजिए नोट में, सबसे कम संख्या विषाणुओं की प्राप्त होती है। द नंबर ऑफ वायरसेस वुड बी लीस्ट, द नंबर ऑफ वायरसेस वुड बी लीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए अगले पॉइंट में, शीज पांच जैव विविधता वाले देश, शीज पांच जैव विविधता वाले देश। अगले पॉइंट से लिखिए, इसी में ही हां ये फैक्ट है, जनरली कुछ एग्जाम में आ गए थे एक बार, शीज पांच जैव विविधता वाले देश, द कंट्रीज विद फाइव कंट्रीज विद हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कहां मिलेगी सोच के बताओ सबसे ज्यादा? ब्राजील में। तो पहला लिखिए ब्राजील, ब्राजील के आसपास ही कोई और ढूंढ लो जहां खूब बारिश होती हो। कोलंबिया, कोलंबिया। अच्छा कोई ऐसा देश बताओ जहां पूरे वर्ष भर बसंत रहती है। कोलंबिया में, कोलंबिया का प्लेटो एक प्लेटोनिक एरिया है, कोलंबिया के प्लेटो पर पूरे वर्ष भर बसंत रहती है। ठीक है चलो, ये और उसका रीजन ये है क्योंकि ये इक्वेटर के पास है, इक्वेटर के पास होने के कारण सूरज की किरणें खूब पड़ती हैं, लगभग परपेंडिकुलर रहती हैं वर्ष भर, लेकिन प्लेटोनिक एरिया है, ऊंचाई ज्यादा है। हमें पता है ऊंचे क्षेत्रों में ठंड पड़ती है क्योंकि तापमान कम हो जाता है, तो वहां इसलिए मौसम समकारी बना रहता है, सबसे ज्यादा तितलियों की प्रजातियां यही मिलती हैं। इसलिए पूरी दुनिया में बटरफ्लाइज की सबसे ज्यादा स्पेशीज कोलंबिया में ही मिलती हैं, कोलंबिया के पठार पर। चलो नेक्स्ट लिखना तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। नेक्स्ट चाइना और लास्ट है मैक्सिको। ये पांच देश हैं जहां सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने डाटा दिया है आपको, ये ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक आती है एक मैगजीन, ये उसका डेटा है, उसमें हर साल ये डेटा प्रकाशित होता है। तो ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक का डेटा है, इसके चाहे नीचे आप लिख लें ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है, अब अगले पॉइंट से लिखना, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हाँ, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2021 यूएन की तो संस्था नहीं है, लेकिन IUCN के साथ मिलकर काम करती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के साथ मिलकर काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अगले पॉइंट में, संपूर्ण विश्व पर, संपूर्ण विश्व पर जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में निम्न भागों में बांटा जा सकता है। तीन दो
ये अब एक एरिया इसमें पूरी ग्लोब पर वो होगा जहां जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाएगी, है ना, इसे कहेंगे अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र। तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लेंगे कि सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहला लिखना अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, द एरिया विद हाइएस्ट बायोडाइवर्सिटी जी। हेडिंग नहीं लिखवाई अंग्रेजी में, क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे, देखो समझ नहीं पाया। हेडिंग तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है, वो समझ नहीं। हम लोगों ने सबसे अब जैव विविधता का अध्ययन कर रहे हैं, है ना, तो जैव विविधता का अध्ययन करेंगे तो ये देख रहे हैं कि पूरे पूरे विश्व पर जैव विविधता किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। तो एक एरिया वो है जो हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी वाला है, एक एरिया फिर जो उससे कम है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है। इनको हम लोग लिख के और इन एरियाज को चिन्हित कर लेंगे, ये काम कर रहे हैं इस टॉपिक में। अब हेडिंग हेडिंग आप देख लो क्या लिखी है, मुझे ध्यान। जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, एवं जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में निम्न भागों में बांटा जा सकता है। द होल वर्ल्ड कुड बी डिवाइडेड इनटू दीज पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। पहला लिखना है इसमें अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, द रीजन विद हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बताओ कहां कहां मिलेगी, सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो लिखो इसमें सबसे पहला उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट,
ठीक है, ब्रैकेट में लिखना इसके आगे, अत्यधिक जैव विविधता के कारण, अत्यधिक जैव विविधता के कारण इन्हें जैव विविधता का भंडार भी कहते हैं, इन्हें जैव विविधता का भंडार भी कहते हैं। दे आर नोन एज, दे आर नोन एज स्टोरेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, स्टोरेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू हाइएस्ट लेवल ऑफ इट। ठीक है, ये विश्व के 13% भूभाग पर है, ये विश्व के 13% भूभाग पर है। दे आर लोकेटेड ऑन 13% एरिया ऑफ द वर्ल्ड, जबकि यहां विश्व की 50% प्रजातियां पाई जाती हैं, यहां विश्व की 50% प्रजातियां पाई जाती हैं। भाई वी फाउंड अराउंड 50% स्पेशीज ऑफ द वर्ल्ड हियर, 50% स्पेशीज ऑफ द वर्ल्ड हियर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसमें प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ्स, प्रवाल भित्तियां या कोरल रीफ्स। ठीक है, इसको हम लोग कल करते हैं। सर आ गए, आपको 5 मिनट में वापस आ जाइए और फिर इसके बाद सर आपकी ज्योग्राफी की क्लास लेंगे। ठीक है, सर ये मेरे दोस्त हैं दिल्ली से, ये सर लखनऊ से हैं, सर दिल्ली में बहुत अच्छे लेवल पे इन्होंने पढ़ा, पैरामाउंट वगैरह की फैकल्टी रही सर, परमानेंट फैकल्टी रही। यहाँ भी थोड़ा, अब जैसा हम लोग जनरल कॉम्पिटिशन का शुरू करने का है इस बार का, मतलब की जरूरत पड़ेगी सर अंग्रेजी के, इंग्लिश के बहुत अच्छे, तो हम लोग बैठना पड़ेगा, हम लोग बैठ जाएंगे। और बताओ सर, यहाँ क्लासेज हुआ करेंगे सर, और आप मुझे ना मेरे व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, उस पर आप मुझे अपना बाय वोट भेज देना, रिज्यूम मैं देखता हूँ, टाइप करा लेंगे तो हाँ कोई भी कर देगा, अरे हम खुद बनवा लेंगे आपको, हाँ बनवा दो, आप मुझे भेज दो, लिखा हुआ जो भी है ना उसे इसको सर, इसको आपको रिफ्रेश कर लूँ।